108 साल बाद इस साल की नागपंचमी पर एक विशेष संयोग बना है। बताया जा रहा है कि इस साल राहु केतु और काल सर्प दोष से जुड़ा ये महासंयोग कुछ राशियों के लिए हितकारी साबित होने वाला है। काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए परिगणित अश्विन नामक नक्षत्र भी लग रहा है। ऐसे में कुछ राशियों को लाभ मिलने की संभावना है। उन राशियों में शामिल है मेष, वृषभ, कर्क और मकर राशि के जातक, जिन्हें धन लाभ हो सकता है। आपको इस साल नागपंचमी पर बन रहे दुर्लभ संयोग का राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके बारे में बताने जा रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। मेष राशि की बात करें तो इस खास दिन नागपंचमी के पावन पर्व पर मेष राशि वालों के लिए धन लाभ का योग बन रहा है। इसके अलावा संतान पक्ष की उन्नति होगी, पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। इस राशि के जातकों को ये सलाह दी जाती है कि वो लोग इस दिन अनंत नाग की पूजा करें। वृषभ राशि के लिए भी ये दिन खास नजर आ रहा है। इस दौरान अगर इस राशि के जीवन में आर्थिक समस्या चल रही है तो उसका समाधान होने की संभावना नजर आ रही है। नए काम की शुरुआत हो सकती है। इस राशि के जातकों को नागपंचमी पर कुलेग नाग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। मिथुन राशि के जातकों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी गई है। इसके अलावा घर के बड़ों से वाद विवाद ना करें। इस पावन दिन इस राशि के लोग वासुकी नाग की पूजा करें। कर्क राशि वालों के लिए भी विशेष योग बन रहा है। इस दिन आपकी नौकरी मिलने की संभावना नजर आ रही है। इस अवसर पर आप व्यर्थ विवादों से दूर रहें। जातकों को सलाह दी जाती है कि वो शंखपाल नाग की पूजा करें। सिंह राशि के जातकों की बात की जाए तो उनके लिए ये दिन प्रभावकारी सिद्ध होगा। इस राशि के जातक मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे। इस मौके पर आपके रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना नजर आ रही है। जातकों को सलाह दी जाती है कि वो इस दिन पद्म नाग की पूजा करें। कन्या राशि वालों के लिए यात्रा का योग बन रहा है। वो कहीं भी छोटी यात्रा के लिए जा सकते हैं। इस बनने वाले योग से आपके करियर में लाभ की संभावना नजर आ रही है। धन लाभ के योग भी नजर आ रहे हैं। आपको महामग्न नाग की पूजा करने की सलाह दी जाती है। तुला राशि वाले जातकों को खास सलाह ये है कि नागपंचमी के दिन अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, अपने मन में किसी तरह का वहन न पालें, साथ ही तक्षक नाग की पूजा करें। वृश्चिक राशि वालों को इस दौरान अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश करते देखा जाएगा। अगर आप अधिक तनाव लेते हैं तो ना लें। आपके जीवन साथी को लाभ के योग नजर आ रहे हैं। इस राशि के जातकों को कर्कोटक नाग की पूजा करनी चाहिए। धनु राशि वाले जातकों को करियर में बदलाव देखने को मिलेंगे। इन्हें शंखचूर्ण नाग की पूजा करनी चाहिए। मकर राशि के जातकों का मानसिक तनाव कम होगा। करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है। मकर राशि के लोगों को नागपंचमी पर घातक नाग की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि के जातकों की बात की जाए तो इन्हें अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा। व्यर्थ की चिंता में नहीं पड़ें। इस दौरान भगवान शिव को जल अर्पित करें और विषधर नाग की पूजा करें। मीन राशि के जातकों की नौकरी में बदलाव के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी छोटी सी यात्रा पर जाएं। शिक्षा के मामलों में सफलता मिलेगी। इस राशि के लोगों को शेष नाग की पूजा करना लाभकारी होगा। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।